उड़ीसा। किसान भाई एवं हमारे प्यारे मित्र भाई बंधु, आज मैं आपको मिलेट के विषय में जानकारी देना चाहता हूं। आप जैसा जान रहे हैं कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट के दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्य रूप से जो पॉजिटिव मिलेट हैं वह 5 तरह के होते हैं, लेकिन आज मैं विस्तृत चर्चा एक मिलेट पर करूंगा जिसका नाम बर्नयार्ड मिलेट है, जिसको लोग सावा भी कहते हैं। इसकी खीर और मिठाई अत्यधिक लोगों को पसंद होती है। चूंकि ये सावा जिसको बर्नयार्ड मिलेट कहते हैं, यह मिलेट एक ऐसा मिलेट है जिसकी सबसे ज्यादा मांग होती है और क्या होती है कि इसमें पानी की भी मात्रा कम लगती है और इसमें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की भी कम मात्रा लगती है। आप जानते हैं कि अब हम लोग अभी जो है राइस व्हीट सिस्टम को अपना रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में वह सूट नहीं करता है। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में मिलेट सूट करते हैं जिसको अधिक पानी की भी आवश्यकता न होती है और टेम्परेचर अधिक होता है तो वो सहन कर सकता है। तो यही सावा है, इसकी खेती किसान भाई आप कर सकते हैं और खेती का उचित समय मई से जुलाई महीना माना जाता है। जहां आप धान की खेती कर रहे हैं पानी नहीं हो रहा है, बिचड़ा हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में आप सावा की खेती कर सकते हैं। इसकी खेती के लिए खेत की जुताई मात्र 2 जुताई कर सकते हैं और बंजर इभम की कमजोर भूमि में भी इसको अच्छी तरह से खेती कर सकते हैं। इसका जो बीज दर होता है वो 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और ये तब होता है जब आप पंक्ति से पंक्ति के में बुआई करेंगे और जब ब्रॉडकास्टिंग करेंगे तो 15 से 16 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगा। ये अमूमन 90 दिन का क्रॉप होता है और इस क्रॉप की खासियत यह है कि इसमें कम से कम फर्टिलाइजर, इसमें कीट व्याधि का प्रकोप नहीं होता है, जिसके रासायनिक कीटनाशी का भी प्रयोग नहीं होता है, जिसके कारण यह जो है कम खर्च में अत्यधिक उपज भी देता है। 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से उपज देता है। ये मिलेट की खासियत ये है कि अभी जितने भी रोग हैं, डायबिटीज हो, हार्ट अटैक की बीमारी हो, कैंसर की बीमारी हो, लीवर फेल्योर की बीमारी हो, इस बीमारी में ये रामबाण साबित होता है। और आप इस मिलेट को लगातार अपने फूड हैबिट में कल्टीवेट करेंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी, एक ऐसा समय आएगा जब वो रोग से आप नियंत्रण पा लेंगे। जमाना आ गया है जबकि पानी को बचाना है। आप जानते हैं कि पानी अगला विश्व युद्ध होने वाला है पानी के लिए। ऐसी परिस्थिति में किसान भाई आप इस मिलेट को आप यूज कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। इस मिलेट को फादर ऑफ ऑल द पॉजिटिव मिलेट के नाम से भी जाना जाता है। पुनः अगले एपिसोड में मैं दूसरे मिलेट के विषय में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए मेरा आपको प्रणाम।